बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स सेंटर सामनवाला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अडोब फोटोशॉप 7 है क्या, ये किस चीज से इस्तेमाल होता है, उसमें कैसे काम करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। हम देखते हैं अडोब फोटोशॉप 7 है क्या, उसमें किस तरह काम करते हैं, किस चीज़ के लिए काम होता है, ये हम आपको बताते हैं। अडोब फोटोशॉप 7 आमतौर पर फोटोग्राफी वाले और आजकल हर कोई यूज़ करता है, ठीक है, ये एक मशीन वाला है, इसको हम जिस टाइम यूज़ करें। कहते हैं मेन रिबन, ये हमारा टूल बार है, इसमें ये नेगेटिव, ये कलर, ये स्केच, ये स्टाइल, ये हिस्ट्री, ये एक्शन, ये हिस्ट्री जो इसमें जो आप काम करते जाएंगे वो उसकी लिस्ट बनती जाएगी। ये चैनल, इन लायर और ये डिजाइन है, कुछ सैंपल लाइन जो बने हुए हैं हम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जाते हैं अपने टूल की तरफ। सबसे पहले हमारा टूल है जो है एरो टूल, मूविंग टूल, जो कि बेसिकली आप हर किस्म के सॉफ्टवेयर में होता है, किसी के सॉफ्टवेयर में कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी में मूविंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा अगला टूल है, ये है मैजिक पेन टूल, इसका इस्तेमाल में आपको दिखाते हैं सब। उसके बाद हमारा अगला टूल है वो लेज़र टूल, इसको माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर इसमें दो मज़ीद और हैं, यानी कि तीन टूल हैं, कटिंग के टूल हैं, जिन तीनों टूल कटिंग के इस्तेमाल होते हैं। उससे आगे जो टूल है वो हमारा टूल है क्रॉप टूल, किसी चीज़ को क्रॉप करना हो, काटना हो, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा अगला टूल है स्लेस टूल, उससे आगे जाएँ तो हमारा हेलिंग ब्रश टूल है, ये ब्रश वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उससे आगे भी हमारा एक और टूल है ब्रश टूल, उसके आगे क्रोन टैम्प टूल है, ये इरेजर है, ये ब्लॉट टूल है, ये एरो टूल है, ये टेक्स्ट टूल है, ये जूमिंग टूल और ये थंब टूल। यहाँ ये बैक साइड कलर है और यहाँ पे जो ऊपर है वो कटिंग टूल होता है, ये सब पर यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे एडिट है और इमेज। तो सबसे पहले हम अगर कोई फ़ोटो ले आए तो उसको ब्राइटनेस कैसे देते हैं, ब्राइटनेस करने के लिए क्या है, हमने आमतौर पर देखा होगा आपने भी कि नीचे धड़ किसी और का होता है, ऊपर सर किसी और का लगा होता है, ऐसे ही यहाँ पे अगर किसी को कोट पहनाना हो, किसी के चेहरे में दाव धब्बे बहुत से होते हैं, उसको ख़त्म करना हो, उन सब चीज़ों के लिए अडोब फोटोशॉप इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल बाकी सब आप इसको यूज़ करेंगे तो उसमें आपको अपनी पहचान ये हमारा कुछ ऐसे रही, जैसे हम कोई पिक्चर इम्पोर्ट करते हैं उसको मिनिमाइज़ कर लें, आप कोई पिक्चर ले लें साल बताओ, इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ये आपके सामने पिक्चर आ गई, फिर ऊपर क्लिक करें। अब ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका, बैकग्राउंड कलर हमने अगर ये चेंज करना है, हमने ये जो चेंज करना है उसके लिए हमारा कौन सा टूल है, उसके लिए हमारा ये टूल है, इस टूल का नाम मैजिक पेन टूल है। मैजिक पेन टूल का फ़ायदा ये है कि अगर बैक साइड का कलर जो वो एक कलर एक किस्म का हो तो ये आसानी से उसको ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा हो कि ये चारों तरफ से इसके देख रहे हैं कि ये एक किस्म का क्या कहते हैं, नहीं आ रहा है, इसको
सेलेक्ट करने पर, तो यहाँ पे जो आपने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया होगा, यहाँ पे इसको डिलीट करने पर वही कलर आएगा। अगर हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया हुआ है रेड, तो ओके, ये रेड कलर आ गया। अगर हम इसको डिलीट डिलीट करेंगे तो ये रेड आ गया। उसके बाद दूसरी साइड भी ऐसे कर लें। अगर यहाँ पे कलर हमने ग्रीन कर लिया, ये देख रहे हैं यहाँ पे भी ग्रीन आ गया, इसको हम डिलीट करेंगे, ये ग्रीन आ गया। उसके बाद कंट्रोल डी मार लें, ये आपका कलर बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। उसके बाद आ जाएं आगे, अगर हमने इसको ब्राइटनेस देनी है तो उसके वजह से कंट्रोल एम हमारे स्टार्ट की है। कंट्रोल एम के जरिए हम इसको ब्राइटनेस दे सकते हैं, यानी ये ब्राइटनेस दे रहे हैं, जितना भी आप ब्राइट कर लें ये आप मर्जी है। ओके, इसके अलावा कंट्रोल एल, एल भी इसको शार्ट की है। यहाँ पे भी आप कलर मिक्स के जरिए अपना कलर वाइटनेस ब्राइटनेस कंट्रास्ट सब सेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप जिस तरह भी रखना चाहें यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ये ओके कर लें, ये तो हो गया। अब आ जाएं जी हमारा अगला टूल जो है, ये टूल हमारा हो गया। उसके बाद हमारा अगला टूल है ये राइट माउस का राइट बटन क्लिक करने पर आपको ये तीन टूल दिखाई देंगे। आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, मुनासिब लगे। मैं फिलहाल ये टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब हमें यहाँ पे इसको कोट उतारना है, या कोट कोई चीज़ भी काटनी हो तो उसके लिए यहाँ से आप कलेक्ट करें। यहाँ कलेक्ट करते जाएंगे, उसका लेफ्ट बटन कलेक्ट करें, ये लेफ्ट कलेक्ट करें। लेफ्ट कलेक्ट करने पर आप जैसे जैसे कलेक्ट करते जाएंगे वहाँ पे आप देखते जाएंगे कि वो क्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे ही आपने यहाँ पे मिलाएंगे तो ये आपको एक किस्म की लाइन दिखाई देगी, जैसे कि पानी की तरह, ये मिसाल उधर पानी इसमें चल रहा है तो ये होगा। तो यहाँ पे आप इसको एरो क्लिक करेंगे, एरो क्लिक करने पर आप इसको उठा सकते हैं। अब आपकी मर्जी, यहाँ है आपको जिसको भी पहना है। इसको हम एरो क्लिक करने पर ऊपर ये दो दो ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट करने हैं, ऑटो सेलेक्ट लाया शो बटन का है। इसको सेलेक्ट करने पर इसकी आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं, इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। मिसाल बता रहा, आप इसको छोटा या बड़ा आपके मर्जी के मुताबिक, ये देखें ये आप जैसा भी कर रहे हैं। ये हो गया, अप्लाई कर दें, कंट्रोल डी मार दें, ये हो गया। ये तीनों टूल का एक ही काम है। और उसके बाद हमारा अगला टूल है क्राप टूल। ये जो क्राप टूल है, इसकी मदद से आप कोई भी चीज़ क्राप कर सकते हैं। ये क्राप कर लें, हमने इस चेहरे को क्राप में क्लिक बटन मारें, ये क्राप हो गया। इसके लिए आप इसको सेव कर दें या सेव एज कर दें, ये मज़ीद ऑप्शन है जो आपने करने हैं। तो इसके लिए ये जो हम काम करते जा रहे हैं, ये हमारा काम किस चीज़ में आ रहा है, हिस्ट्री में आ रहा है। ये जो हमने काम सबसे पहले किया था वो काम हमारा ये था। ये देखा, हमने हमने कलर चेंज नहीं किया था, हमारा कलर वैसा था वैसा जैसे तस्वीर हमने इम्पोर्ट की थी। उसके बाद आ जाएं आगे, तो हमने इसका एक कलर एक साइड चेंज की, उसके बाद आगे हम इसकी दूसरी साइड चेंज की। ये सब हिस्ट्री इसके लिए काम। अगर कोई चीज़ आप भूल गए हैं तो आप पीछे से जाकर वहीं सेट कर सकते हैं, इसका यही फायदा हिस्ट्री का। ये हमने फोटो उतारा था, ये सेलेक्ट हो गया, ये फोटो। उसके बाद आ जाएं जी आगे, ये जो टूल है राइट क्लिक करने पर, इसके दो ऑप्शन है, हेलिंग ब्रश टूल, पाथ टूल। ये दो ऑप्शन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, ये सैंपल मज़ीद देख सकते हैं, ये आप सेलेक्ट कर लें, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक ब्रश कर सकते हैं। इसमें ये हमने हिस्ट्री पे जाना है वापस, कोई भी चीज़ आप रंगों में भर सकते हैं। ये ब्रश है इसलिए हमने इसका राइट क्लिक के दूसरा, ये आप देख सकते हैं हमने काटनी है कोई चीज़ तो आपने यहाँ से काट सकते हैं। ये भी काटने का एक टूल है। तो हम हिस्ट्री में दोबारा जाते हैं, ये हमारी हिस्ट्री वैसे तो वैसे आ गई। उसके बाद हमारा अगला टूल है, वो है क्लोन स्टैम्प टूल। इसका इसका ये फायदा है, इसको
इसको सेलेक्ट करें, इसको राइट बटन क्लिक करें, मैंने इसको दो है पैटर्न स्टैम्प टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है। पैटर्न स्टैम्प टूल का इस्तेमाल इसको आप साइज बड़ा कर लें, इसमें से आप सेलेक्ट कर लें ये टूल सेलेक्ट कर लें, इसको थोड़ा बड़ा, इसमें आप सभी काम कर सकते हैं। आँखें अगर किसी मतलब अगर किसी इंसान का कोई चीज़ डुप्लीकेट टूल है किस्म का, ये किसी भी चीज़ को कोई डुप्लीकेट बनानी हो तो ये डुप्लीकेट बना सकता है इसमें, तो इसके लिए ये डार्क धब्बे को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बता दूँ, आल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, इसका मतलब आप जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ डुप्लीकेट होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ, वो कलर लेफ्ट बटन क्लिक किया अब छोड़ दिया, तो अब जहाँ मैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा वहाँ पर ये डुप्लीकेट बनेगा। ये देखा आपने, यहाँ पर मैंने क्लिक किया था और यहाँ पर ये डुप्लीकेट बन गया। कंट्रोल डेट पर वापसी हम जा रहे हैं, यहाँ वापस आ गए, तो यहाँ पर अगर आ जाएँ तो मैं ये कोड को ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये कंट्रोल आर्ट पे अपने जो कुछ करना है आर्ट पर, तो उसके लिए यहाँ पर कलेक्ट करें, यहाँ पर कलेक्ट करें। ये आप देख रहे हैं कि ये डुप्लीकेट बन रही है, इसकी डुप्लीकेट सॉरी यहाँ सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, अब यहाँ पे भी वैसे कर लें, ये हमारा आ गया। उसके बाद हमारा नीचे वाला टूल है पैटर्न टूल, नीचे वाला टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल, इसमें ये सिंपल है, आप मर्जी के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैसे भी इस्तेमाल करें। ये इसकी में जाते हैं वापस दोबारा वापस हिस्ट्री हमारी, हम तो हम वापस आ गए। इसके बाद हमारा अगला टूल है इरेज टूल, अगर हमने कोई चीज़ इरेज करनी है इसका साइज बड़ा कर लें, इसमें से आप ये इसके मास्टर डेमिस्टर है ये जो सिलेक्ट कर लें, इसको बड़ा कर लें, हमने ये चीज़ इरेज करनी है। इरेज करने पर ये तौर बाद ध्यान में रखें कि जो कलर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो चीज़ आप इरेज करेंगे वहीं से वही कलर निकलेगा, तो हम ये चीज़ इरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये चीज़ इरेज हो रही है, और इसका कलर जो है अगर हम यहाँ चेंज कर लें वाइट कर लें तो यहाँ पे वो वाइट आ जाएगा, वाइट। तो हम हिस्ट्री में दोबारा वापस जाते हैं, इरेज टूल पर तीन राइट क्लिक करने पर तीन ऑप्शन हैं जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर लें। इसके बाद हमारा अगला टूल है ये बैकग्राउंड कलर टूल है, ये बैकग्राउंड बनने भी आमतौर पर पैनल प्लस बनते हैं उसमें बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल होते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ मर्जी ऑप्शन है रेडियल ग्रेडियंट जो भी है, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, ये डायमंड ग्रेडियंट, तो आप डायमंड कर लें, तो यहाँ से आप खींचेंगे ये देखेंगे आपके ग्रेडियंट एक किस्म का बैकग्राउंड कलर आ गया। तो हम हिस्ट्री पे वापस जाते हैं, ये हमारी हिस्ट्री वापस आ गई, तो आगे हमारा क्या है ब्लड टूल। ब्लड टूल क्या है, ब्लड टूल आमतौर पर आपने देखे हो कि दाग धब्बे बहुत से होते हैं, बात उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये ब्लड टूल का इस्तेमाल वाजे है, ये किसी चीज़ को अगर मध्यम करना हो तो ये ब्लड टूल है इस्तेमाल होता है, ड्राइंग आउट कर लें। तो ब्लर टूल का इस्तेमाल बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, ये दाग धब्बे खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। उस पर आगे आ जाएं, ये हमारा एरो का टूल है, ये कोई चीज़ करने के लिए, तो ये हमारा टेक्स्ट टूल है, यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मर्जी का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमारा टेक्स्ट में कोई भी सिलेक्ट कर लें, टेक्स्ट टाइप यहाँ देख रहे हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, ये मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ,
12 ये आपको दिखाई देगा। सॉरी मैं इसको 5 बड़ा कर लेता हूँ, मीडियम है यहाँ पे, यहाँ पे ब्लॉग एक एन कर लेना, मैंने यहाँ पे एक कर लिया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे स्टाइल है, आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट कर लें, ब्लैंक स्टाइल है, जो भी स्टाइल आप चूज करेंगे वही स्टाइल हमें यहाँ पे कलेक्ट कर लेना, और आपकी मर्जी ये जहाँ पे भी रख लें। अगर क्लिक करना है तो आप हिस्ट्री में जाएँ, यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारा आगे टूल है जूम इन टूल, प्लस पर करेंगे जूम, जूम इन होगी और ये माइनस माइनस का जूम इन आउट होगी। उसके बाद हमारा आगे टूल है, अगर हमने कोई पिक्चर ब्लैक ब्लैक करनी है, ब्लैक एंड वाइट करनी है, उसके लिए ये मजीद ऑप्शन है। आप फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करने पर आपके पास बहुत से ऑप्शन आएंगे, आपने न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने पर आपके पास एक बॉक्स आएगा, उसमें आपने देखना है कि आप जो बॉक्स बना रहे हैं उसकी वेट कितनी, हाइट कितनी, रेगुलेशन कितना होना चाहिए, और वो कलर में होना चाहिए कि बगैर कलर करना चाहिए, बैकग्राउंड कलर है, वाइन ट्रांसपेरेंट कलर है, तो उसमें आपने सेलेक्ट करना है। आपने क्योंकि कलर में नहीं बनाना उसको सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड कलर, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। आपको ये सिलेक्ट करने पर आपने यहाँ पे एरो क्लिक करना है, और एरो क्लिक करने पर फौरन इधर छोड़ देना, क्योंकि ये हमारा डब्बा बहुत छोटा है, इसका साइज़ छोटा है, ये तो ठीक है बड़ा है, यहाँ पर नहीं आना, सॉरी डब्बा हम न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम साइज़ बड़ा कर लेते हैं 300, ये 300 ही बिट मैप हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा डब्बा आ गया। अब यहाँ भी यहाँ पर चला, सॉरी अभी भी छोटा है, क्योंकि ये डब्बा हम बहुत छोटा बना रहे हैं, तस्वीर का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, हम इसको 400 कर लेते हैं, इसको भी 400 कर लेते हैं, रेजोल्यूशन 100 कर लेते हैं। तो ये हमारा पहले सेलेक्ट किया हुआ, वो कह रहा है कि नहीं ये नंबर बिटवीन है रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, 75 कर लेते हैं, 400 पे 400 कर लेते हैं। मसला बन रहा है थोड़ा सा, कोई और तस्वीर लेते हैं, यहाँ पे हमने तस्वीर इंपोर्ट कर दी, ये तस्वीर इंपोर्ट कर दी, यहाँ पे हम इसको इधर क्रॉप कर दें, क्रॉप करने का जो आप ये क्रॉप हो गया, एरो को सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़नी है, ये क्रॉप, यहाँ पे कस्टमाइज करना है, उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे हम, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप नवी ऑप्शन आएंगे, इंपोर्ट करेंगे नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप गैलरी में जा सकते हैं, यहाँ पे आप व्यू क्लिक करके बैकग्राउंड कलर बना सकते हैं, अपने ये कलर सेलेक्ट करना हो तो ये कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक कलर भी रूम हो रहा है, इसमें क्योंकि हैंग हो रहा है, इसमें मूविंग टूल को हम फाइल क्लिक करने पर ये टूल सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी बने हुए हैं कुछ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमारे ये टूल है, उसमें एक बाद में आपको और बता चलूँ कि यहाँ पे आपने अगर किसी